खबर सीहोर जिले से आ रही है, जहां हम आपको बता दें कि ग्राम सुआ पानी में विकास कोसों दूर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं और मुख्यमंत्री आदिवासियों के लिए कई घोषणा भी करते हैं। इसके बावजूद आज मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी ग्राम सुआ पानी के आदिवासी अपने ग्राम को बिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन इस ग्राम की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभाग और न ही किसी अधिकारी ने इस पर ध्यान दिया, लिहाजा अब उस मार्ग से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ सड़कें कई गांवों को जोड़ती हैं। यह सड़क अंबाक दीम सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ती है। इन गांवों के लोगों का, सुआ पानी के ग्रामीणों का कहना है कि आज हमारा गांव बिछड़ा हुआ है क्योंकि ग्राम में सड़क नहीं है। इसके साथ ही आसपास के ग्राम भी हमारे ग्राम से सड़क से जुड़े नहीं है। इसके कारण हमें कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ रही है। खड़े जरा इधर उधर ही तुम जाओ नहीं, तुम खास तो नाम बताओ। यमुना प्रसाद। कहाँ के निवासी हो? सुआ पानी के। सुआ पानी के क्या समस्या आ रही है? बहुत कोई सुविधा ही नहीं है हमको, तो हमको सब बात की आपत्ति है। हम कहीं जा नहीं सकते, बारिश हो जा तो हम कहीं निकल नहीं सके, हमारा बेटी नहीं मर जा फिर हम ले जा नहीं सकते। और क्या दिक्कत आती? और कभी हम कोई डिलीवरी भी हो जा तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। मतलब ये गांव कहीं से रोड से नहीं जुड़ा? कहीं से रोड से नहीं जुड़ा हुआ है। कितने साल हो गए आपको निवास करते? 70 साल। 70 साल जब से अभी तक रोड से नहीं, जब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। अच्छा, अभी तक कितने नेता आ गए आपके पास? ना नेता, बोटले वाला पूरा हम नाम तो जाना नहीं भाई। उसके बाद नहीं आए कोई? नहीं आया। कोई अधिकारी वगैरह? कोई अधिकारी वगैरह आता? कोई अधिकारी नहीं आना। कोई नहीं आया? मतलब आपकी कोई सुध लेने वाला भी नहीं? भले मर जाओ कोई सुध लेने वाला? कोई सुध लेने वाला नहीं जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड बने और हमारी नदी का पुल बने। अच्छा, ये मान लें कि अगर नहीं बनता है तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करेंगे, मर जाएंगे ऐसे चिल्ला चिल्ला के। नहीं गांव में चिल्ला ले, हमसे कोई बाहर तो बने नहीं जाने की। नहीं तो अभी आपने कहीं अवगत नहीं कराया जैसे सरपंच है, सेक्रेटरी है? या कोई सेक्रेटरी सुने, सरपंच सुने भैया, कोई नहीं सुने, खाली सुन ले फिर रवाई नहीं करे कोई भी, कोई ध्यान नहीं दे, कोई ध्यान ही नहीं दे। और क्या समस्या है इसका? बस यही समस्या। और तो ये कहीं दे रही हो मालिक, ये भुगत लिया वो समस्या से हमको। शौचालय वगैरह की आवाज वगैरह की कोई समस्या? आवाज तो जो कोई है ठीक है। मतलब सबसे बड़ा मेन मुद्दा? मेन मुद्दा यही है, हमें तो रोड हो जाना और हमारी नदी का पुल बन जाना। ठीक। मैं राम निवास, सुआ पानी से। क्या समस्या आ रही बारिश के टाइम में? जिस हिसाब से रोड नहीं बना, बहुत समस्या आती है यहाँ पे। जैसे ये रोड है आदिवासी ग्राम गांव सुआ पानी है, यहाँ कम से कम 1200 लोगों की आबादी है। सब लोग गरीब वर्ग के हैं, आदिवासी में आता है ये गाँव। और आस पास से ये गाँव में कहीं भी सड़क जुड़ी हुई नहीं है। लोदनी से आ जाओ तो कच्चा रोड है, नयापुरा से आओगे तो भी ये गाँव में जीप नहीं आएगी। इधर से बारिश में परेशानी आती है, यहाँ से ये नदी पूरा जाती है, टापू बन जाता है पूरा ये तो एरिया। ना तो इधर से उधर का दिखता है, ना इधर से इधर का दिखता है। कई मौत भी हो चुकी है यहाँ पे। एक आदिवासी भील समाज की महिला बह गई यहाँ से, झिंडिया से लाए उसको, फिर बाकी पुल से बच्चे बच्चे शहीद। तो ऐसी बहुत सी समस्या है, तो यहाँ कोई प्रशासन की नज़र नहीं है। इसके लिए आपने अवगत कराया कभी प्रशासन को? हाँ, प्रशासन करवाया नहीं अवगत, कई बार करवाया। हाँ, 2018 से चल रही है वो तो। लेकिन आते हैं, जांच बाँच कर जाते हैं, हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जैसे आपके पीछे ये देख रहे हैं डैम, तो इस बार इसमें पानी नहीं दिख रहा, क्या कारण है इसका? इसका पानी का कारण ये है कि पानी तो लेट गेट बंद किया था यहाँ का, और मोटरें भी चलती है यहाँ पे, इसलिए खत्म होगा ये तो पानी तो। नहीं तो गेट बंद करने की पहले अवगत नहीं करा है उनको कि गेट बंद किए जाए? अब वो सभी गेट साथ ही बंद हुए थे यहाँ के। अरे स्टाफ डैम की क्षति ग्रह, और ये स्टाफ डैम भी टूटा हुआ भी है, टूट गया, यहाँ से बाहर निकलने बारिश में दिक्कत आती है। जैसे अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है वो, तो आप चल के देख लीजिए, और भी गड्ढे पड़ गए उसमें, अब बाहर नहीं निकलता। जैसे पूरा आ गई तो फिर वो जीप कहाँ से निकलेगी? कम पानी रहेगा तो भी जीप नहीं निकलेगी यहाँ से। तो वो तो बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है, सुबह पानी सबसे पिछड़ा हुआ गाँव, काफी पिछड़ा हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा। जिस प्रकार से ये आपका एक ग्राउंड दिख रहा है पीछे जी, क्या कहेंगे?
ये ग्राउंड साफ सब पूरा कब्जा होगा इसमें और गड्ढे पड़ गए हैं। ये कम से कम 50 साल से ये ग्राउंड है, यहाँ क्रिकेट भी चलता है सब कुछ। अब सीएम साहब की योजना भी है उसमें, ये ग्राउंड बनना चाहिए, हर डेली क्रिकेट होता है यहाँ पे, मगर वो अवैध कब्जा है वहाँ पे। अब वो हटना चाहिए वहाँ का कब्जा, और ग्राउंड में जो गड्ढे हैं वो ग्राउंड बनना चाहिए, सीएम साहब की भी योजना है उसमें। नहीं तो इसके लिए पंचायत को अवगत कराया होगा ना ग्रामीणों ने? हाँ, पंचायत को करवाया था तो ये, और आवेदन भी दिलवाया था क्रिकेट वाले लड़कों ने दिया था आवेदन, तो अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। क्या समस्या? सर हमारे गांव का निराकरण करवाना है, ये पूरा जितना भी आप जैसे एरिया देखते हो पूरा खंती अंती खोद के रखी, उसके बाद यहाँ लोगों के घर शौचालय होने के बाद भी यहाँ पे शौचालय करने आते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। और ग्राउंड का मतलब ग्राउंड बन जाए अच्छे व्यवस्थित, क्योंकि लड़के बच्चे लोग हैं, युवा पीढ़ी जो आने वाली उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है अगर गाँव में ग्राउंड नहीं रहेगा।